हमारे साथ हैं ज़रीन खान, जो फिल्म उनकी आ रही है हाउसफुल 2। आइए बात करते हैं, जानते हैं वो कितनी एक्साइटेड है अपनी इस फिल्म को लेकर। वेलकम टू जूम। थैंक यू। सो हाउसफुल 2, बहुत सारा ड्रामा हम प्रोमो के जरिए देख रहे हैं, गाना देख रहे हैं, मस्ती देख रहे हैं। ज़रीन क्या कर रही हैं इस फिल्म में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, ये मेरी सेकेंड मूवी है एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर द रिलीज़ ऑफ द मूवी। कि इस तरह जब भी मेरा कुछ कभी गाना या जो मूवी आई है, हर एक बार पब्लिक ने मुझे बहुत ही अलग रिएक्शन दिया है, तो इस बार मैं लोगों का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज़ ऑफ द मूवी एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ हाउसफुल 2 इज़ अ प्लेजर। मैं इससे बेहतर कुछ नहीं मांग सकती थी फॉर माई सेकेंड मूवी। तो चार एक्ट्रेस हैं, चार एक्टर, मेल फीमेल, काफ़ी सारी, मतलब ऐसे यूँ कहा जाए कि पूरा मेला होगा सेलिब्रिटी एक्ट्रेस का। सो उसमें ज़रीन, कहीं आपको लगता है कि आपने एक जगह बनाई है कि लोग आपको, आप वहाँ पर क्लिक हो जाएंगे लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, आपके फैंस के लिए? ऑफकोर्स, क्योंकि हमने इतने सारे जो एक्टर्स लिए हैं मूवी में, वो सिर्फ भरने के लिए या भीड़ नहीं है। एवरी कैरेक्टर हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रीक टू इट। हर एक इंसान उस मूवी में कुछ ना कुछ कर रहा है, ऑफकोर्स ये भीड़ में घूमने की बात ही नहीं होती। बट हमने सुना था कि आपने एक विवेक की फिल्म के लिए आपने आइटम नंबर छोड़ दिया, ऐसी जो खबर आई थी उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी कि सलमान के रिलेशन के खातिर आपने वो गाना, वो आइटम नंबर छोड़ दिया? गाना मुझे ऑफर किया गया था, इट वॉज़ ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट बिटवीन अ फ्रेंड एंड मी। टूडे आई हैव जस्ट एंटर्ड द इंडस्ट्री एंड you know I do not have a strong backup, ke you know if I do something, if I make a wrong move, it will be ignored and I can move ahead. I have to take, mujhe har ek step bahut hi carefully lena padta hai and so hamari jo industry hai wo aapko label dene mein zyada time nahi lagati hai. So I did not want to be labeled as an item girl. That is the reason this was a conscious effort, conscious decision of not doing an item song back to back, kyunki maine abhi character dheela kiya tha. I'm here to be an actress, to do good work, not to become an item girl. Probably after or to a movie or two I will do item songs, but right now I am very scared to take this move and that was my only concern. As for not doing the song because of Vivek was not even a part of that song, so I have no idea. Film unhi ki thi, actor wahi hai. So mera sawal ye hai aapse ki jis tarah se rumors log aate hain, log ek group mein kaam karte hain ki agar usse juda hai, jaise Salman ki kai sare dost bhi hain to kai sare dushman bhi hain, to agar Zareen ko aise mauka mile ki unke enemies, jo so called enemies hain, agar unke sath film mein judne ka kaam karne ka mauka mile, to Zareen kya decision lenge? Zareen ka apna koi decision hoga is pe? Of course isme mera hi decision hoga, kyunki Salman has never been the kind of person jo bolenge ki ye mat karo, wo mat karo. Professionally he is a very flexible person. Wo kabhi aapko ye nahi bolenge ki iske sath kaam mat karo, uske sath kaam mat karo. He will suggest you to do what is best for you. चलिए हम यही विश करेंगे कि ज़रीन, आपकी ये फिल्म हाउसफुल 2 लोगों को पसंद है और आपकी भी एक्टिंग को लोग पसंद करें, जिससे अगला प्रोजेक्ट आपको और अच्छा 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 मिले। थैंक यू सो मच। एम पर्सन कैलाश के साथ रोशनी दुबे, जूम मुंबई।